आप लोग देख रहे हैं मैं कितने आराम से बैठा हूँ, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन हर एक काम को छुट्टी होती है, ना ही जिम होती है। अगर मन करे तो बाहर घूमने गए, नहीं तो दिन भर घर पे पड़े रहते हैं। और यही सेम तूने क्या मेरे को ये ना समझाई चीज हमारे गांव में भी होती थी। जब मैं गांव में रहता था शादी के पहले, और शादी के पहले का लाइफ थोड़ा अलग ही होता है। जब हम गांव में रहते थे तो संडे को कुछ काम नहीं होता था और घर वाले भी परेशान नहीं करते थे। काम तो होता था खेती का, खेत में जाना, बैल बकरी चराना, कुछ भी काम हो थोड़े छोटे मोटे वो करते थे। चल झूठा। और संडे के दिन घर वाले भी नहीं परेशान करते थे, और संडे का दिन ही अलग होता था। सुबह सुबह गए दोस्त लोग के साथ घूमने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए दिन भर। भाई मारो मुझे, मारो मुझे। क्रिकेट खेलते थे, हाफ डे तो खेलते थे कम से कम 12 बजे तक। जो कुछ भी थोड़ा मोटा काम होता था तो वो कर लेते थे। शादी के पहले का लाइफ अलग था, गांव का लाइफ अलग था, कुछ जिम्मेदारियां नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जो मन में आया किया, वो कोई बोलने वाला भी नहीं था, और खाली पिताजी का बहुत बड़ा खौफ था। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और अब शादी हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, वही रोजमर्रा की जिंदगी। काम पे जाओ, घर पे आओ, छोटे मोटे काम हो यो करो, घर पे ये है वो है, वो नहीं है ये नहीं है। पहले ऐसा कुछ नहीं था तो बिंदास था लाइफ, बहुत खाए पिए मजे किए। पिए वो वाला पिए नहीं। और अभी भी जिंदगी के हिसाब से चलना पड़ता है, उम्र के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसी उम्र बढ़ती है वैसे आदमी को चलना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या है ना, पोपटलाल के जैसा हाल हो जाएगा अगर आप शादी नहीं करोगे तो। तो चलो ये जिंदगी है, जिंदगी के हिसाब से चलना पड़ता है। क्या पता कल हो ना हो, ये शायद ये आज का आखिरी दिन हो, तो जी लो जिंदगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज है संडे तो आज खाएंगे पिएंगे, तो देखते हैं खाने में क्या है। अभी लेंगे थोड़ा कॉफ़ी। और थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं आपको कि मेरा वीडियो देखने के लिए, और इतना आपका प्यार मिल रहा है और तो अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो शूट करने में और डालने में, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत होती है, ये इतना इजी काम नहीं है। अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं कितने बजे सोता हूँ और कितने बजे उठता हूँ, और नींद भी नहीं होती है, और बॉडी को रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। और आज जिम भी नहीं है, जिम को भी छुट्टी है, तो आज मेरा रेस्ट डे है कि आज मैं बॉडी को आराम दूंगा, और कल वापस से मंडे से अभी नया वर्कआउट अपना चालू हो जाएगा। हफ्ते में एक दिन बॉडी को रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मसल की रिकवरी में टाइम मिलता है, मसल रिकवर होती है और उसमें बॉडी जल्दी पंप हो जाती है और मसल ग्रोथ होने में अच्छी मदद होती है। तो चलो अभी एक कप कॉफ़ी लेंगे, फिर देखते खाने में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज ये संडे, तो आज अपना दिन है, फिर दिन भर टीवी देखेंगे या तो कहीं बाहर जाएंगे। क्या बारिश हुई भाई, आज दोपहर में ना इतना रुक रुक के बारिश हो रहा था ना कि बोल नहीं सकते कि बहुत बारिश हो रहा था। और जो बारिश गांव में होना चाहिए वो गांव में नहीं हो रहा है, और मुंबई में जो कि बारिश नहीं चाहिए तो इधर बारिश बहुत हो रहा है, और गांव में अभी तक किसी ने फसल भी नहीं बोया है। तो चलो आज संडे है, सो अभी मैं गाड़ी रिपेयर करने को देना है, अपने को सर्विसिंग करना है। बहुत दिन हो गया मैंने गाड़ी सर्विसिंग नहीं किया है। क्योंकि क्या है ना, अभी बारिश का टाइम है तो गाड़ी सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी है, और मेरा गाड़ी का टायर भी ख़राब हो गया, वो टायर भी अपने को चेंज करना है। और क्या क्या इसमें काम करना है, और ऑयल भी इतना गंदा हो गया, इतना काला हो गया था गाड़ी का, क्योंकि 6-7 महीना हुआ मैंने ऑयल ही नहीं चेंज किया, जबकि हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद गाड़ी की सर्विसिंग होना चाहिए, जो मैंने नहीं किया। और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा कभी, कभी कुछ गाड़ी ने काम नहीं दिया, कभी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। जब भी गाड़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ, सब लोग यूज़ कर रहे थे मेरी गाड़ी, तो प्रॉपर चल रही थी। सो लेके अभी सोचा मैंने कि बारिश हो रहा है, गाड़ी एक बार रिपेयर कर लूँ। ये भाई का गैरेज है, ये भाई की उम्र कुछ नहीं है, ये 16-17 साल का ये लड़का है, लेकिन बंदे ने बहुत सारा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से
अचीव किया है। मैं आपको कभी कभार इसके साथ शेयर करूँगा स्टोरी नेक्स्ट टाइम। अभी इसके साथ अपना पहचान नहीं हुआ है, सो अभी फर्स्ट टाइम इससे मैंने बात किया तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो अच्छा लगा। ऐसे इतनी सी कम उम्र में बंदा पूरा गैरेज चला रहा है और रोज़ कम से कम दिन का 3-4 हज़ार रुपये लग कमा लेता है और ना ही पढ़ा लिखा है, तो अच्छा लगता है कि ये इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है और वो भी हार्ड वर्क कर रहा है। तो चलो अपनी गाड़ी रेडी हो गई राइड्स के लिए, सो अभी निकलते गाड़ी लेके। तो गाड़ी मेरे को रिपेयर करने के लिए टोटल 1400 रुपया इसने बंदे ने लिया गाड़ी रिपेयर करने का। इसमें फिल्टर चेंज किया, ऑयल चेंज किया और कुछ बुश या कुछ बोल रहा था वो मुझे समझ में नहीं आया, कुछ ऑयल चेंज किया इसने और इसका लेबर चार्ज कुछ 350 रुपया इसने लिया। बहुत दिन हो गए मैंने गाड़ी सर्विसिंग नहीं किया था, कम से कम 6-7 महीना हुआ रहेगा। लास्ट मैंने दिवाली के आसपास कुछ गाड़ी सर्विसिंग किया था और ऑयल भी नहीं चेंज किया था, तो आज फाइनल संडे था तो मुझे लगा बारिश भी चालू हुआ है तो अभी एक बार गाड़ी सर्विसिंग करके लेना चाहिए। और जिस जगह पे मैं गाड़ी सर्विसिंग करता उस जगह पे आज गाड़ी सर्विसिंग नहीं किया, थोड़ी सी नई जगह पे सर्विसिंग किया, मुझे लगा कि थोड़ा सा चार्ज कम होगा। लेकिन जहाँ पे मैं हमेशा सर्विसिंग करता था उससे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिया सर्विसिंग चार्ज, लेकिन थोड़ा रिजल्ट भी अच्छा मिला। सो देखते हैं अभी 2-4 दिन यूज़ करके कैसा होगा क्या होगा, गाड़ी का काम बराबर किया नहीं किया, लेकिन बंदा जेन्युइन था और अच्छा लगा मुझे तो किया। सो देखते हैं अगर अच्छा रहा तो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ करवाएंगे। आज दोपहर में न्यूज़ देख रहा था, जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है ना पॉलिटिक्स, एकदम घटिया पॉलिटिक्स हो रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। ये आपकी घटिया राजनीति ये लोग नहीं देखना चाहते। अभी देखते हैं 2024 में क्या होगा, पिक्चर क्लियर होगा कि नहीं होगा, लोग किसको सपोर्ट करेंगे। अरे तू जा रही है। और ऐसा खिचड़ी हो गया पूरा, कौन किसके अगेंस्ट है कुछ समझ में नहीं आता है, कोई किधर भी जा सकता है तो कोई किधर भी आ सकता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार। और घिस रहे बीच में कौन, वोटर्स। हर 6 महीने बाद कोई मंत्री चेंज हो जाता है, हर 6 महीने। डे वन से अजित पवार का नेचर था कि उनको बीजेपी के साथ अलायंस करना है, लेकिन बीच में उनका जो सुबह सुबह का जो शपथ विधि हुआ वो कुछ सक्सेस नहीं हुआ। बाद में फिर ये लोग जो लोग ने भी बगावत की थी वो लोग सीधा वापस चले आए। अंदर से मालूम था तू लाइफ में मैं कुछ करेगा। झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। इसीलिए लोगों का धीरे धीरे अजित पवार से भरोसा उठ जाएगा। जो अजित पवार जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो अजित पवार अभी शायद आगे नहीं देखने को मिलेगा। सो देखते हैं अजित पवार का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपने को आगे स्वागत तो करो हमारा पता चलेगा। सो देखते 2024 में क्या होगा, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि लोग किसके साथ है और किस पार्टी के साथ है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, अच्छा लगता है आप लोग वीडियो देखते हैं और रिस्पॉन्स आता है तो आप मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। सो मैं आगे से ट्राई करूँगा कि थोड़ी सी वीडियो की क्लैरिटी अच्छी हो और मेरा वॉइस है वो भी अच्छे से लाउडली क्लियर आए। सो मैं कोशिश करूँगा और मेरे पास जितने सारे इक्विपमेंट है मैं सब यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी और थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए, तो धीरे धीरे अपन अपडेट होंगे वीडियो क्वालिटी के लिए और ऑडियो वॉइस के लिए। अगर हो सके तो अपन किधर टूर पे भी जाएंगे जो वहाँ पे ब्लॉगिंग करने को अपने को टाइम मिले और कुछ कंटेंट मिले, क्योंकि अभी क्या ऑफिस की वजह से मैं किधर बाहर घूम नहीं सकता हूँ।
सो फिर से मैं एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्या है ना जब भी मैं अगला वीडियो अपडेट करूँगा तो आपको एक अपडेट उसकी मिलेगी कि मेरा वीडियो आपको अपडेट हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको मुझे कुछ सजेशन देना हो ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग या कैमरे के रिगार्डिंग या बोलने के रिगार्डिंग या आपको कुछ भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना और मैं उसको मेरे ब्लॉगिंग में इम्प्लीमेंट करूँगा, ऐड करूँगा जो कुछ भी आपका सजेशन होगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।